फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी हमें अपने डेली रूटीन में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ कहते हैं अगर जरूरत हुई तो, जैसे अगर जरूरत हुई तो 190 डायल करें, अगर जरूरत हुई तो एक डॉक्टर को बुला लेना, अगर जरूरत हुई तो मुझे कॉल करना, या अगर जरूरत हुई तो दर्द वाली दवा खा लेना। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ कहते हैं अगर जरूरत हुई तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हुई तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इफ नीड बी, यानी अगर जरूरत हुई तो, जैसे अगर जरूरत हुई तो उसे बुलाना, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इफ नीड बी कॉल हिम, अगर जरूरत हुई तो दर्द की दवा खा लेना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी टेक अ पेन किलर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब आपको कहना हो अगर जरूरत हुई तो आप कहेंगे इफ नीड बी। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को आसानी से समझ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी कॉल मी, या इफ नीड मी मेक मी अ कॉल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि जरूरत हुई तो मैं आपको फोन कर लूंगा, तो आप कहेंगे इफ नीड बी आई कॉल यू, या इफ नीड बी आई मेक यू अ कॉल। अगर आपको कहना हो जरूरत हो तो एक डॉक्टर को बुला लेना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी कॉल अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हो तो मेरी कार ले लेना, तो आप कहेंगे इफ नीड मी टेक माई कार, या अगर आपको कहना हो अगर जरूरत भी तो मैं आपसे पूछ लूंगा, तो आप कहेंगे इफ नीड बी आई आस्क यू। अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हुई तो मेरे पास चले आना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी कम टू मी, यानी अगर जरूरत हुई तो मेरे पास चले आना। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत है तो स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लो, तो आप कहेंगे इफ नीड बी ज्वाइन अ स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर जरूरत हो तो एक दर्द की दवा खा लेना, तो आप कहेंगे इफ नीड बी टेक अ पेन किलर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने इस कंसेप्ट को समझा कि जब आपको कहना हो जरूरत हो तो आप इफ नीड बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।